दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ। आखिरकार अब जो लोग वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे वो वैकेंसी अब आ चुकी है, यानी कि छात्रा और शिक्षक की वैकेंसी अब आ चुकी है। इसकी जो प्रारंभिक तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की, इसकी अंतिम तिथि क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसका वेतनमान क्या होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं छात्रावास अधीक्षक यानी कि हॉस्टल वार्डन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस के बारे में, आपको पूरा डिटेल जानकारी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि जो छात्रावास अधीक्षक है इसके ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है आपका 20 मई 2023 से। जी हाँ, सही सुना है आपने, छात्रावास अधीक्षक जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है आपका 20 मई 2023 से है, और इसके अंतिम तिथि यानी कि 8/6/2023 से, यानी कि 8 जून को आपका अंतिम तिथि होगा। साथ ही त्रुटि सुधार के बारे में बात करना चाहूँगा। जो छात्रावास अधीक्षक के जो त्रुटि सुधार है, आप ऑनलाइन जैसे फॉर्म वगैरह भर लीजिए है, उसमें अगर कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है, तो आप त्रुटि सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इसका दिनांक है आपका 9 जून 2023 से लेकर, ठीक है, 10 जून 2023 तक, ठीक है, 9 जून 2023 से लेकर 10 जून 2023 तक इसके त्रुटि सुधार के लिए दिया गया है। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ तो ये छात्रावास अधीक्षक का जो पोस्ट आया है 500 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है। कितने पदों पर? 500 पदों पर। आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत जल्द इसकी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करें जो छात्रावास अधीक्षक का जो वैकेंसी है आपको 500 पदों पर, उसमें 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें सबसे अनिवार्य है कि कंप्यूटर आपका 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको 25 नंबर, बिल्कुल 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है, वरना आपका OMR सीट चेक नहीं किया जाता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। साथ ही सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि छात्रावास अधीक्षक का जो सिलेबस है उसको नया पैटर्न के हिसाब से चेंज किया गया है, इसमें मनोविज्ञान चेंज किया गया, यानी कि एक और ऐड किया गया है आपको बाल मनोविज्ञान, जिसमें 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे लेबर इंस्पेक्टर में भी 2015-18 में सेम सिलेबस था, जबकि 2023 में उसमें भी नया पैटर्न चेंज किया गया, जिसमें श्रम विभाग से 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। उसी प्रकार इस बार छात्रावास अधीक्षक में भी 10 नंबर से चेंज किया गया है, यानी कि यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक में बाल मनोविज्ञान से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं, छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं योग्यता के बारे में बता देना चाहूँगा। जो योग्यता है आपका 12वीं पास ग्रेजुएट लेवल मंगा गया है, साथ ही इसमें 21 साल से ऊपर यानी ग्रेजुएट लेवल के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 21 साल और जो 35 साल तक, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। जो छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो छात्रावास सिलेबस है, जिसमें कंप्यूटर का 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, वरना आपको OMR चेक नहीं किया जाएगा। चाहे आप गणित में, हिंदी में, इंग्लिश में पूरे में पूरे नंबर ला लो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक आप कंप्यूटर में पास नहीं होगे, आपका पेपर आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। आप देखिए कंप्यूटर में 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, उसी प्रकार आपका हिंदी में 10 नंबर, इंग्लिश में 10 नंबर, गणित से आपको 20 नंबर पूछा जाएगा, इसी प्रकार आपका सामान्य ज्ञान यानी कि भारत के सामान्य ज्ञान से सिर्फ 15 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 20 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, विशेष तौर पर इतिहास से, ठीक है, याद रखना, विशेष तौर पर आपको इतिहास से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार आपका करंट अफेयर से 15 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि खेल और समसामयिक घटनाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वहां से आपको 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे खेल कूद वगैरह से। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा करंट अफेयर के। उसके बाद बाल मनोविज्ञान से 10 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके नए ऐड किया गया है छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस में। अब बात करते हैं रणनीति की तैयारी कैसे करना है। तो हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस कराया जा रहा है। अगर आप लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइएगा और वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रख लीजिए। देखिए जो लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बिल्कुल फ्री क्लास करा जाए। अब देखिए लाइव क्लास की ये मेरे पास टाइम नहीं है, अब बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास आपको अपलोड की जाएगी। समय मैं आपको बता दे रहा हूँ 7:30, यानी कि रात 7:30 से 9:30 के बीच रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जाएगी, बिल्कुल छात्रावास अधीक्षक के नए बैच के साथ नए समय पर सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, बिल्कुल टेस्ट ग्रुप में। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि 3 सब्जेक्ट, कंप्यूटर,
छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत के सामान्य ज्ञान, जो तीनों सब्जेक्ट है बिल्कुल मैं टाइम टू टाइम क्लास में अटेंड करने वाला हूँ। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, या फिर और भी वैकेंसी, यानी कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी वैकेंसी निकल कर आई है। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी निकल कर आई, जैसे लेबर इंस्पेक्टर हो गया है, जैसे शिक्षक भर्ती हो गया है, बहुत सारी वैकेंसी अभी निकल कर आई है, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे प्लेलिस्ट पर दिया गया है, जो वैकेंसी का आप तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर कंटिन्यू क्लास अटेंड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। चलिए हम बात करते हैं छात्र अधीक्षक के कंटिन्यू क्लास के बारे में। तो दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में कंप्यूटर की क्लास रहेगी, शाम को आपका गणित और हिंदी इंग्लिश का भी क्लास रहने वाली है, लेकिन न्यू बैच स्टार्ट करने वाला है, इसके समय आपको बता दूंगा। कल के नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इतना ही जानकारी दे दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू कीजिएगा।